फैक्ट्री में तैनात गुंडों के द्वारा मीडिया कर्मियों से मोबाइल छीनने की कोशिश की गई। दरअसल देर रात मीडिया कर्मियों को सूचना मिली कि जबलपुर के पाटन रोड में अनमोल सिटी के पास स्थित कारखाने में भीषण आग लग गई है। इस सूचना के बाद जब मीडिया कर्मी वहां पहुंचे तो बाहर पहले से ही गुंडे तैनात थे, जिन्होंने मीडिया कर्मियों की गाड़ी की चाबियां एवं मोबाइल छीनने का प्रयास किया। पर साहसी पत्रकारों के द्वारा उसके बाद भी इस घटना का कवरेज किया गया। जिस जगह पर आग लगी थी उस जगह के गेट तक पुलिस भी नहीं पहुंची थी। मौके पर पत्रकारों ने एकत्रित होने के बाद आनन फानन में पुलिस की टीम भी सामने आई। हरदा में हुए हादसे के बाद लगातार फायर सेफ्टी एवं सिक्योरिटी के लिए सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में इस कारखाने में ऐसी क्या अनियमितताएं थी जिन्हें मीडिया से छुपाने की साजिश की जा रही थी। आखिरकार कर्मठ मीडिया कर्मियों के द्वारा इस मामले को प्रकाश में लाया गया। भैया आग लगी थी, क्या सूचना मिली थी, कितनी फायर ब्रिगेड गई थी? ये हमें अभी रात को 8:26 पे सूचना मिली कि पाटन रोड पे ये लक्ष्मी कैंपस है, उसके अंदर ट्रांसफार्मर कोई कंपनी है रिपेयरिंग करने की, वो डले हुए, उसमें आग लगने की सूचना मिली। तत्काल हमने यहाँ से एक ISBT से तत्काल पहले गाड़ी रवाना किया और यहाँ से दो गाड़ी एक टैंकर साथ में रवाना हुए और वहाँ पे जाके देखा तो वो कंपनी के जो ऑयल वगैरह जो था रिपेयरिंग का होती है उसमें आग लगी हुई थी। उसको पूरी तरह कंट्रोल किया और गाड़ी हमारी वापस आ रही है, अभी पूर्णतः गाड़ी आई नहीं है, आग बुझ चुकी है। अब ये नुकसान का तो आंकड़ा अब बता नहीं सकते, वो कंपनी जिसके यहाँ लगी थी वो बताएगा आपको जो भी होगा। मैं हेड फायरमैन श्री शंकर सिंह चौहान।